हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। राधे योर मोस्ट वांटेड भाई मूवी कल यानी कि 13 मई को रिलीज होने वाली है। अब ये कब रिलीज होने वाली है उस पर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बोल दूँ कि लव हिम और हेट हिम बट यू कांट इग्नोर हिम, ये चीज़ मुझे पता चल गई है सलमान खान के ट्रेलर के रिलीज़ होते ही। क्योंकि जो हेटर्स थे वो अपने बिल से, जैसे चूहे के अपने बिल से बाहर निकलते, अपने बिल से बाहर निकल के अपने मुंह से गंद मचाना शुरू किए। और ये सिर्फ मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की बात भी नहीं करता हूँ। सोचो वहाँ पर किस लेवल का आ गया वो लोग ने। लेकिन यहाँ पर जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जिनको सो कॉल यूट्यूबर्स कहा जाता है, चाहे वो वाकड़े हो या मेहंदी वाली आंटी हो और दूसरे और जहरीले हैं जिनके बारे में यहाँ पर बात करना ही नहीं, क्योंकि वो लोग डिजर्व ही नहीं करते। चाहे उनके यूट्यूब में बहुत सारे सब्सक्राइबर क्यों ना हो, लेकिन है वो टट्टी। और हाँ, एंड में मैं वो बुढ़ऊ जो 2 रुपीस पीपल है उसके बारे में भी बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि उसको छोड़ दो अपने हाल पे, वो हो चुका है। क्या सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि राधे मूवी मुझे लगा था कि 12 तारीख को आज रात को 12 बजे रिलीज़ होगी, लेकिन जब मैं Zee5 पर जाके देखा तो वहाँ पर 13 मई 12 PM लिखा था। तो मतलब ये कल दोपहर में ही रिलीज़ होगी। कल जब ये मूवी रिलीज़ होती है और ये मूवी हिट होगी तो वो हेटर्स लोग की मैं क्या हालत करूँगा ये तुम लोग नहीं समझ सकते। लेकिन हाँ, जैसे ही ये मूवी फ्लॉप होगी तो वो हेटर्स लोग जो हगना शुरू करेंगे या जो लोग अपने मुंह से बोलेंगे ना, वो बस आप लोग ये समझ लेना कि वो लोग रिव्यू नहीं बल्कि अपनी पर्सनल भड़ास निकाल रहे हैं। क्योंकि आमिर अंसारी जो कि यूट्यूबर है जो हर एक अपडेट देते हैं, मैं यहाँ पर उनको प्रमोशन नहीं कर रहा, उनको मेरे प्रमोशन की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन एक हफ्ता पहले जब उसने वाखड़े और वो मेहंदी वाली आंटी को बहुत ज़बरदस्त एड्रेस किया तो उसके बाद से ये लोग शांत हुए। क्योंकि ये लोग सलमान खान को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, चलो समझ में आता है एक स्टार है, स्टार को ऑब्वियसली लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं भाई कोई भी चीज़ के लिए, क्योंकि हम लोग पैसा दे रहे हैं उसको तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जब वो क्रिटिसिज्म पर्सनल लेवल पर चले जाता है तो वो चीज़ गलत हो जाती है। और यही बात आमिर अंसारी ने एड्रेस दिया तो वो वाकड़े और मेहंदी वाली आंटी शांत हुए, वरना वो लोग जो लेवल की गंद मचा रहे थे ना, वो एक्सपेक्टेड नहीं था उन लोगों से। इतने थर्ड क्लास लोग मैंने आज तक नहीं देखा यार, कि सलमान खान के फ़ोटो डाल के व्यूज़ ले रहे, पैसे कमा रहे और गालियाँ उनको ही दे रहे। मतलब अगर सलमान खान उन पर एक्शन ले ले ना तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। और सीरियसली वो इतने बड़े फट्टू है ना, वो जो वाकड़े है उसने तो KRK को ऑफिशियली सबके सामने सॉरी भी बोला था। अगर आप लोग को याद नहीं है भाई, मुझे याद है, मैं कई सालों से वो वाकड़े को देख रहा हूँ। तो वो वाकड़े तो एकदम ही थर्ड क्लास बनता है, वो मुंबई में रहता है। किसी दिन अगर मेरा सामने हुआ तो मैं बोलूंगा यार, विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। मतलब एक नंबर के भाइया, तो फट्टू आदमी है भाई। तो ये चैनल मत चला, अगर चला रहा तो जो बोल रहा है उस पर कायम रहे, और अगर नहीं कायम रह सकता तो फिर कोई मतलब नहीं बोलने का। वो फालतू ऑडियंस को खुश करने के लिए ऐसी कुछ चीज़ें मत बोल जो आगे चल के तेरे को भारी पड़े। कहने का मकसद ये है कि यार, इन लोग जो नेगेटिविटी फैलाते इनसे सतर्क रहो। और अगर आप लोग ये मूवी देखना है तो देखो, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि राधे मूवी देखो, जिनको देखना है वो देखेंगे और जिनको नहीं देखना है वो नहीं देखेंगे। और रही बात जो हेटर्स की, वो लोग क्या करेंगे मालूम, मूवी देखेंगे नहीं, सीधा IMDB पे जाएंगे और फेक रिव्यू करेंगे ताकि इस मूवी की रेटिंग्स कम हो। तो इसीलिए जाओ ऑनेस्टली देखो अगर देखना है तो, और उसके बाद ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करो जैसे कि मैं कल करूँगा। और अब बात करते हैं उस बुढ़ो की जो सल्लू VFX वाला बोलता है, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि भाई 55 की एज में बिहाइंड द सीन के वीडियो देखो तो क्या हैंडसम बंदा लग रहा है। तो अगर 55 साल की एज में बंदा इस लेवल का हैंडसम लग सकता है तो फिर आप उसको सल्लू VFX वाला बोलो, CGI वाला बोलो, जो बोलना है बोलो। क्योंकि जब तुम पैदा हुए थे ना बुढ़ो, तो सब लोगों ने एक ही चीज़ बोली थी कि भाई बुढ़ा पैदा हुआ है, और जो बंदा जवानी में ही गंजा हो जाए, जो नकली वीक का सहारा ले, उससे क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और रही सवाल डांस की, तो भाई तुम्हारी मूवी जो कि एकदम वाहियात मूवी थी, जिसको IMDB पे 1.4 की रेटिंग मिली है, उस मूवी में मैंने डांस देखा तुम्हारे, ऐसा लग रहा है वो डांस नहीं, ऐसा लग रहा कोई मातम कर रहा हो। उसके अलावा मूवी में जिस लेवल की तुमने चूतिया पर मचाया था, वो आज भी इंडिया की वन ऑफ दी वर्स्ट मूवीज़ में से है। कि और इतने ही नहीं, ये उन मूवीज़ में से है कि जिनको गवर्नमेंट ने बैन किया था। क्योंकि यार ये मूवी देखने के बाद मोतियाबिंद तो छोड़ो, कोरोना वायरस से भी खतरनाक बीमारी हो जाती है जब ऑडियंस देखती है। और ये मूवी को 10 मिनट से ज़्यादा आप लोग बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हो। अगर एक्सप्रेशन की बात करें बुढ़ो, तो मैंने कल ही तुम्हारी मूवी देखी है, स्टार्ट से लेकर एंड तक एक ही एक्सप्रेशन, ऐसा लग रहा है कि हर सीन से पहले तुम्हारी किसी ने बजाई है, उसके बाद तुमको बोला कि चल जा आप तू सीन कर और तुम दूसरों के एक्सप्रेशन पे बात करते हो। और एक चीज़ बुढ़ो बोला था कि भाई सल्लू भाई एक्शन सीन्स भी खुद से नहीं करते, तो मैं उसको भी एक जवाब दे दूं कि वर्ल्ड में जितनी भी एक्टर्स हैं उनमें से मैं 2 ही लोगों को मानता हूँ, ऐसे दूसरे भी एक्टर्स होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जैकी चैन और टॉम क्रूज़।
ये दो ऐसे एक्टर हैं जो खुद के स्टंट करते हैं, और इनके बाद कुछ एक्टर्स ने भी खुद के स्टंट करना स्टार्ट किए हैं। बस सलमान खान की भाई उनके स्टंट डबल सब करते हैं, तो यार ये भी एक वीडियो देख लो जो कि बिहाइंड द सीन्स वाला, तो वहाँ पर आपको साफ सलमान एक्शन सीन्स करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वो उस लेवल के एक्शन सीन्स नहीं कर सकते जो टॉम क्रूज और जैकी चैन करते हैं, लेकिन फिर भी जो उन पर एलिगेशन लगा रहा उसको यहाँ पर मैं डाउट क्लियर कर दूँ, और बाकी तो मूवी कैसी भी होगी वो तो कल ही पता चलेगा, और मैं यहाँ पर ऑनेस्ट ओपिनियन करने बैठा हूँ। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप वो वाकड़े मेहंदी वाली एंटी या बुढ़ऊ या जो जितने भी जहरीले जो नाक बैठे हुए दिल से बाहर निकलेंगे, और देखते क्या कुछ करते हैं लोग कांड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।